अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में 3 मई की तिथि नियत की है। प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई गई। उनका दावा है कि वह स्थान उनके आराध्य देव शिव का है। यह भी कहा कि शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।